हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको गार्डन का टूर कराऊंगी अपना। ये देखिए, क्योंकि तो हर कोई पेड़ पौधे हम अपने घर में नहीं लगा सकते हैं, कुछ के फ़ायदे होते हैं, कुछ के नुकसान होते हैं, तो हम दिखाएंगे कि कौन कौन से पौधे हमने अपने घर में लगा रखे हैं। मैंने बड़े सोच समझ के रिसर्च करके अपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो चलिए मैं आपको अपने पेड़ पौधों से, अपने वन देवता से मिलवाती हूँ। इससे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। देखिए गाइस, मैंने अपने मेन गेट के दोनों तरफ तुलसी लगा रखी है जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, और जो भी इनसे नेगेटिव, जो भी नेगेटिविटी होती है वो इनसे लग के बाहर रह जाती है और पॉजिटिविटी अंदर चली जाती है। चलिए मैं अब आपको बाकी पौधों से मिलाती हूँ। देखिए चिड़ियों की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। ये पौधे को लक्ष्मी गणेश का पौधा कहते हैं, जो घर के लिए बहुत शुभ होता है, बहुत सुंदर होता है। ये हमारे समी पत्र है, इसमें कहते हैं शंकर जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी और शनि देवता का वास रहता है। तो शनिवार के दिन दिए जलाना बहुत अच्छा होता है। ये प्लांट्स मेरा फेवरेट है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखिए गाइस, ये बेलपत्र है। देखिए इसमें तीन पत्तों की पत्ती होती है, इसमें भी शंकर जी का वास कहते हैं। सावन के महीने में इसे जल चढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। सफ़ेद आग का पेड़ है, सफ़ेद आग शंकर जी को बहुत पसंद है। उनके रुद्राभिषेक में और पूरे सावन में हम इसके फूल चढ़ाते हैं, सफ़ेद आग के ही फूल चढ़ते हैं शंकर जी को। ये बेला है, ये क्रिसमस का बोलते हैं, क्रिसमस ट्री। ये भी घर के लिए अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ बढ़ने घर के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए अशोक का पेड़ घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती है आपके भी फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ती है। ये सबसे बड़ी चांदनी है, ये देखिए इसका फ्लावर भी कैसा होता है। ये सबसे बड़ी चांदनी है, इस पर बहुत फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। ये अशोक का पेड़ है, ये हमारा कनेर का पेड़ है, पीला कनेर। बहुत फूल आते हैं, हम बहुत भर भर के चढ़ाते हैं, मुझे इतने फूल आते हैं कि हम चढ़ा भी नहीं पाते इतने सारे फूल। देखिए कितना प्यारा है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत फूल आते हैं इसमें। नार का पेड़ है, ये देखिए, ये कदम का है, देखिए कितनी बड़ी जड़ है। ये हमारे पड़ोस में लगा है जो कि घर के बाहर नहीं लगाया था। देखिए कितना घना हो गया, 3 मंजिल तक पहुंच चुका है। और ये देखिए गाइस, इसकी जड़ें कितनी बड़ी हैं। कहते हैं इतना बड़ा पेड़ घर के बाहर होने से आपकी फाइनेंशियली जो हालत है वो उतनी ही ज़्यादा नीचे हो जाएगी जितना ऊंचाई पेड़ होगा। तो कोई भी ऊंचा पेड़ आप अपने घर के बाहर नहीं लगाइए। बहुत अच्छा हो गया था गाइस, लेकिन गाय ने सब पाँव से सब कुछ चल दिया है। बड़ा हो गया एक कदम का। ये देखिए गाइस, ये चंपा का पेड़ है। देखिए इसकी कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है और कुछ इस तरह के इसके फ्लावर होते हैं। ये देखिए, ये शंकर जी पे और देवी जी को बहुत पसंद है। गाइस ये तो कुछ जमीन में लगने वाले पेड़ जो घर जरूर लगाने चाहिए।
और गमलों में जो पेड़ लगते हैं उनके बारे में आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।